चालीस हजार का 15% कितना होगा? 40,000 का 15% थैंक यू 40,000 का 15% कितना होगा? 6,000 पक्की बात है? 40,000 का 15% 6,000 सबने करा। मैं कह रहा हूं आपसे 40,000 आपने ऐसे लिखना है, 40 और हजार में 3 जीरो आ गए, और 15% निकालना है, ऐसे निकाल लिया। 40,000 ऐसे लिखा, 15 ऐसे लिखा, और इसकी जगह लिखे हैं 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। 15 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 4 से। 15 चौक 60, जीरो कितने बचे हुए यहाँ? 2 जीरो है, तो क्या बन गया? 6,000। समझ में आ गई बात आपको? आसान है, मुश्किल है? गुड। अगला सवाल लिखिए, 70,000 का 25% क्या होगा? 70,000 का 25% क्या होगा? सत्रह हजार पांच सौ पक्का? सबका यही आ रहा है? आपका भी यही आ रहा है? 70,000 का 25%, परसेंट का मतलब 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 25 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 7 से। तो 25, 7, 7, 5, 35 के पास से लेके 3, 7, 2, 14 और 3, 17, 175। यहाँ से आगे 175, जीरो कितने छूटे? 2 जीरो, तो ये बना 17,500। क्लियर हो गया बात? गुड। अब आप सवाल लिखेंगे, सवाल लिखें, एक आदमी के पास 90,000 रुपए की बचत हुई, मालूम करें वो कितनी ज़कात देगा? मालूम करें वो कितनी ज़कात देगा। कर सकते हैं आप ये? हैं, करें। ज़कात कितनी लगती है? रेट क्या होता है ज़कात का? 2.5%। पॉइंट हटाना पड़ेगा आपको। फर्क पड़ा बच्चों पे? तेज हुए। 2,250 एक का। आप 22,000 सही। दोबारा चेक करें, पॉइंट हटाया आपने? पॉइंट हटा के जीरो बढ़ा दे नीचे। हजार कैसे भाई? 3 जीरो से 3 जीरो कट गए थे। ये 2,250 लिखा है औरत, इसको 22,000 क्यों बोल रही हो? 22,050 दिखाओ कहाँ? 2,250 जवाब लिख रही हो और 22,050 बोल रही हो?
12,250 पढ़ना नहीं सिखाया मैंने मैथ में गिनती है, तो आपका क्या हुआ है? आ नहीं रहा है क्यों? 2.5% होता है ना ज़कात, सुना नहीं आपने? 2.5% चलिए मैं करा देता हूँ, जिन बच्चों को नहीं आ रहा वो समझ लें। अच्छा भाई ये देखिए टोटल अमाउंट क्या थी इसमें, टोटल अमाउंट 90,000, रेट क्या है? रेट है 2.5%, मालूम क्या करनी है? ज़कात, क्लियर? ज़कात कैसे मालूम करते हैं? ज़कात बराबर होता है टोटल अमाउंट को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? रेट से। टोटल अमाउंट क्या है? 90,000, रेट क्या है? 2.5%। अब इसको हल कैसे करते हैं आपको दिख रहा है? 90,000 और 2.5 को क्या लिखेंगे? 2.5 के नीचे वन लगाया, एक पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ा दिया, और परसेंटेज की जगह क्या लिखेंगे? 1/100, ठीक है। अब क्या करो, ये वाले 3 0 से ये वाले 3 0 कैंसिल, बाकी क्या बचा? 25 और 9, मैं जीरो नहीं देखता, 25 को 9 से मल्टीप्लाई, 9 5 45 के 5 हासिल लेके 4 9 2 18 और 4 22। अच्छा जीरो कितने छोटे थे, एक जीरो बढ़ा दिया तो 2,250। सबको समझ में आया? आसान है मुश्किल है? ठीक है, सवाल, एक और सवाल, पचास ग्राम सोना है, अगर एक ग्राम सोने की कीमत 1200 रुपए है तो साल के आखिर में इस औरत को कितनी ज़कात देनी होगी? ये सवाल है। एक औरत के पास कितनी रकम है? रकम नहीं बताई, ये बता दिया उसके पास कितना सोना है, 50 ग्राम। आप 50 ग्राम पे ज़कात लगाएंगे या रकम पे लगाएंगे? रकम पे। एक ग्राम कितने का आता है? तो आपको पहले ये पता चलाना पड़ेगा कि ये सोना कितने रुपए का बन रहा है पूरा। कैसे पता चलाएंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक ग्राम 1200 का है तो 50 ग्राम कितने का, वो निकालो पहले रकम, 1200 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, साठ हजार सोच लो, 60,000। कुल रकम कितनी हो गई? इस पर आपको निकालनी है ज़कात। ज़कात 60,000 नहीं आई है, उसके पास सोना कितने का है? 60,000 का है। आपको समझ में नहीं आ रहा? एक ग्राम कितने का है? एक ग्राम 1200 का है, और है कितने ग्राम उसके पास?
50 ग्राम है तो 50 ग्राम सोना कितने का हुआ करो 60,000 आ गया आपका जब आपने इसको कहा था 5 दुनी 10 10 का 0 हासिल लगा 1 5 कम 5 5 और 1 6 हुए पंद्रह सौ यानी उसको कितनी जकात देनी पड़ेगी 1500